श्रीदेवी की अस्थियां विसर्जित करके घर लौटे बोनी कपूर से मिलने आए बॉलीवुड स्टार्स। अनुष्का विराट कोहली के साथ श्रीदेवी के घर ग्रीन एकर्स पहुंची और बोनी कपूर और उनकी दोनों बेटियों से मिली। आमिर खान भी अपनी वाइफ किरण राव के साथ कपूर फैमिली को अपने कॉन्डोलेंस देने पहुंचे। कंगना रनौत भी इस दुख की घड़ी में बोनी कपूर के घर पहुंची। इनके अलावा हमने शिल्पा शेट्टी को उनकी मम्मी के साथ, जूही चावला और श्रीदेवी के क्लोज फ्रेंड फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा के साथ स्पॉट किया गया। 2 मार्च को बोनी कपूर ने रामेश्वरम के समंदर में विसर्जित की श्रीदेवी की अस्थियां, जहां उनके साथ बेटी जाह्नवी कपूर और खुशी कपूर भी मौजूद रहीं। वहीं इसी बीच बोनी कपूर ने फेमस ट्रेड एनालिस्ट कोमल नाहटा से अपने दिल की बात की। कोमल नाहटा ने अपने ब्लॉग में बोनी कपूर से हुई अपनी पूरी बातचीत का जिक्र किया और लिखा कि मोहित मारवा की शादी के बाद श्रीदेवी वहीं रुक गई थी क्योंकि उन्हें जाह्नवी के लिए कुछ शॉपिंग करनी थी और बोनी कपूर बेटी खुशी को लेकर मुंबई लौट आए थे, जिसके बाद श्रीदेवी को सरप्राइज देने बोनी वापस दुबई गए। वहां बोनी श्रीदेवी से मिले और थोड़ी देर बाद श्रीदेवी नहाने चली गईं, लेकिन काफी देर तक वापस नहीं आने पर बोनी कपूर ने उन्हें आवाज लगाई। श्रीदेवी की तरफ से आवाज नहीं मिलने के कारण बोनी ने दरवाजा खोला तो देखा कि श्रीदेवी सिर से पांव तक बाथटब में डूबी हुई है। श्रीदेवी को ऐसी हालत में देखकर वो काफी घबरा गए और मेडिकल हेल्प मांगी।